नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। में हूं आदेशपुरी। कल यानी कि 29 मई को पटना हाई कोर्ट के द्वारा बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा तीसरे चरण की शिक्षक बहाली यानी कि TRE3 के परीक्षा पर रोक लगा दिया गया। रोक जो है वो इस वजह से लगाया गया क्योंकि विशिष्ट शिक्षक और अतिथि शिक्षक के वेटेज जो अंक दिए जाते हैं उसको लेकर कोर्ट ने माना कि सभी का काम समान है, ऐसे में उन्हें लाभ दिया जाए और इसको लेकर स्टे लगाया। तो वही आपको बता दें कि वर्ग 6 से 8 के OMR सीट के जांच के भी आदेश पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने BPSC द्वारा आयोजित दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में कक्षा 6 से 8वीं तक के आवेदकों की OMR सीट की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने शबनम कुमारी और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभिलेखों पर उपलब्ध कागजात के अवलेखन से यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि OMR सीट कक्षा 9वीं से 10वीं तक के अभ्यर्थियों का दोबारा जांच की गई, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक के याचिकाकर्ताओं को इससे वंचित कर दिया गया। कोर्ट ने न्याय हित में आयोग को आवेदकों की OMR सीट जिन्होंने कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए शिक्षकों के पद पर विज्ञापन संख्या 27/2023 के लिए आवेदन किए हैं उनको 2 सप्ताह के भीतर दोबारा जांच करने का निर्देश दिया है। इसके पूर्व याचिकाकर्ताओं ने के वकील जो हैं वो शशिभूषण सिंह का कहना है कि BPSC द्वारा अंतिम समय में OMR सीट के उत्तर पुस्तिकाओं का क्रम बदल दिया गया, जिसके कारण अभ्यर्थियों द्वारा राजनीति विज्ञान भूगोल अर्थशास्त्र विषय में दिए गए उत्तर को इतिहास का उत्तर मानकर मूल्यांकन किया गया। परिणाम यह हुआ कि इस परीक्षा में वे फेल हो गए। उनका कहना है कि एडमिट कार्ड में दिए विवरण के अनुसार मूल्यांकन होता तो आवेदक नियुक्ति के लिए योग्य हो जाते। वही आयोग ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा पूर्व शिक्षक पद के उम्मीदवारों को विषय बदलाव का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन आवेदकों ने समय रहते विषय में बदलाव नहीं किए और फिर से OMR के जांच का निर्देश जो है वो पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि जो सब्जेक्ट का क्रम जो था उसको बदलने का निर्देश आयोग के द्वारा दिया गया था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा नहीं कर पाए जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हुआ। और यही वजह है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा वर्ग 6 से 8 तक के जितने भी OMR सीट है उसकी जांच करके और हो सकता है कि फिर से रिजल्ट इसका जारी किया जाए, क्योंकि जो कूट संख्या भरना होता है, जो क्रम संख्या भरना होता है, उसमें गड़बड़ी के कारण बहुत सारे छात्रों का जो है वो गड़बड़ हो गया और इसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। अब इसमें सुधार के बाद उनका फिर से कॉपी जाँच होगा और हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं सफल होंगे और उनका रिजल्ट भी जारी होगा। तो आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक बहाली जो है अब पूरी तरह से विवादित बनते जा रहा है, चाहे TRE1 हो, TRE2 हो या TRE3 हो, तीनों के मामले कोर्ट में चल रहे हैं। रिजल्ट को लेकर जो है वो तरह तरह से बातें निकल के आ रही हैं, उंगलियाँ उठ रही हैं। दो परीक्षाओं को लेकर जो है पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रहा है विभिन्न मुद्दों को लेकर। तो वही TRE3 पर अभी रोक लगा दिया गया है और इस पर आयोग और सरकार के फैसला लेने के बाद जो है कोर्ट आगे सुनवाई करेगी और रोक हट सकता है। आपको बता दें जो खबरें निकल के आ रही थी कि 20 जून को BPSC परीक्षा लेने की तैयारी में था, परीक्षा ले सकता था TRE3 का, लेकिन पटना हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब परीक्षा में देरी होना संभव है और इसका सीधा सीधा असर TRE4 पर पड़ते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।